शामली के कैराना में चेकिंग के दौरान शातिर लुटेरों और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने फायरिंग करते हुए बाइक सवार दो बदमाशों में से एक को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया है, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार शामली के एसपी विनीत जायसवाल के निर्देश पर कैराना पुलिस कांधला तिराहे पर चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बाइक पर सवार होकर दो शातिर बदमाश किसी आपराधिक घटना को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। इस दौरान पुलिस टीम ने बदमाशों को रुकने का इशारा किया, जिसके बाद दोनों बदमाश बाइक लेकर मौके से फरार होने लगे। तभी पुलिस ने भाग रहे बदमाशों का पीछा किया, जिसके बाद क्षेत्र के गांव हैदरपुर यमुना बंधे पर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि घायल बदमाश का नाम साबिर निवासी ग्राम खुरगान है। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए बदमाश ने बताया कि 27 दिसंबर को झिंझाना क्षेत्र में करनाल निवासी एक फाइनेंसर से उनके द्वारा 2,60,000 रुपए की लूट की गई थी, जिसका मुकदमा झिंझाना थाने पर दर्ज है। वहीं बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद और एक बाइक भी बरामद की है। एसपी ने बताया कि बदमाश पर जनपद शामली सहित अन्य जनपदों में भी संगीन धाराओं पर काफी मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पकड़े गए बदमाश का आपराधिक इतिहास भी खंगाले जा रहे हैं। सर, जो एनकाउंटर हुआ, क्या पूरा मामला है? ये देखिए, जनपद शामली में कैराना थाला पुलिस जो है कांधला तिराहे पे चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान दो बदमाश एक पैशन बाइक पे सवार होकर वहां से गुजर रहे थे। उनको जब घेराबंदी का प्रयास किया गया, उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी और वहाँ से भागने लगे। उनको दोबारा वहाँ पे पीछा किया गया पुलिस द्वारा और हैदरपुर बंधे के पास जाकर उनकी मुठभेड़ हो गई पुलिस से। इसमें जो है एक बदमाश है साबिर, उसको गोली लगी है, जिससे उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। उसका दूसरा साथी वहाँ पर मौके से भागने से सफल रहा और अभी उसकी तलाश के लिए वहाँ कॉम्बिंग कराई जा रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी हम उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। ये सभी को गोली लगी है साबिर, उसकी उम्र तकरीबन 26 साल है। उसके पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस व खोखा बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त जिस मोटरसाइकिल से वो भाग रहे थे, वो भी मौके से बरामद कर लिया गया है। और जो प्रथम दृष्टया पूछताछ में बातें जो प्रकाश में आई हैं, इसका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। पूर्व में भी लूट में और डकैती जैसे संगीन अपराधों में ये जेल जा चुका है, जनपद शामली से भी और जनपद सहारनपुर से भी। और अभी हमारे जनपद में बीती 27 दिसंबर को दोपहर में एक फाइनेंसर से इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया था, अपने लगभग 4 साथियों समेत। उस घटना को भी स्वीकार कर रहा है, जिसमें 2,60,000 रुपए इन्होंने अपने साथियों समेत मिलकर लूटे थे। उस संबंध में मुकदमा थाना झिंझाना पे पंजीकृत है और बाकी इससे भी बाकी पूछताछ इसमें गहनता से की जा रही है और जैसा भी होगा इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, बदमाश कहाँ से कहाँ जा रहे थे? देखिए, अभी पूछताछ इनसे की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, कांधला तिराहे से गुजर रहे थे जहाँ पे ये चेज हुआ, उसके बाद जब ये हैदरपुर तिराहे यहाँ पे पहुँचे पुस्ता के पास, तब ये मुठभेड़ हुई। तो कितने टोटल मुकदमे हैं सर इन पे इस जनपद के? और अगर देखिए, अभी टोटल जो इससे पूछताछ में बात आई है और हमने कैराना और झिंझाना से पता किया, अभी तक 9 मुकदमे संज्ञान में आए हैं। इसके अतिरिक्त सहारनपुर में भी इसका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। ये फुरगान थाना कैराना का रहने वाला है। बाकी और जनपदों से भी इसकी जानकारी की जा रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।